morning, students. Just I am going to start some topic in solid state. ठोस अवस्था में मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया था, उसमें से कुछ टॉपिक शेष रह गया था, उसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था. ठोस अवस्था में एक टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट. क्रिस्टल डिफेक्ट और सॉलिड डिफेक्ट. सॉलिड डिफेक्ट क्रिस्टल दोष या ठोस दोष हिंदी में बोलते हैं. क्रिस्टल दोष या ठोस दोष किसे कहते हैं? एट ए नॉर्मल टेम्परेचर या जीरो केल्विन ताप पर किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता. जीरो केल्विन ताप पर जब टेम्परेचर एकदम कम हो, नॉर्मल से भी बहुत कम हो, तो उस टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टल के अंदर, किसी भी ठोस के अंदर कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता. दोष क्यों उत्पन्न नहीं होता? सभी परमाणु और एवं आयन ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, आद्य अवस्था में रहते हैं. उनके परमाणु और आयन अपने स्थान से विचलित नहीं होते, इसलिए जीरो केल्विन ताप पर क्रिस्टल के अंदर कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता. परंतु जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या किसी स्रोत के माध्यम से टेम्परेचर बढ़ जाता है या सनलाइट के माध्यम से या आर्टिफिशियली जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है किसी भी क्रिस्टल का, किसी भी ठोस का, तो परमाणु और एवं आयन अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं. परमाणु और आयन का अपने स्थान से विचलित हो जाना क्रिस्टल दोष या ठोस दोष कहलाता है. इसका एक लाइन आंसर यह है, किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ से परमाणु और आयन का अपने ही स्थान से विचलित हो जाना, अर्थात अपने स्थान से या तो बाहर चले जाना या अपने स्थान से निकलकर रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाना क्रिस्टलीय दोष कहलाता है. क्रिस्टलीय दोष कहलाता है. क्रिस्टलीय दोष दो प्रकार का होता है. एक होता है एटॉमिक डिफेक्ट, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट. एक होता है परमाणु दोष और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष. इलेक्ट्रॉनिक दोष आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल परमाणु दोष आपके सिलेबस में है, अर्थात परमाणु दोष क्या होता है उसी को आपको पढ़ना है. परमाणु दोष में एक होता है बिंदु दोष अर्थात पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइटिस डिफेक्ट
ज्यादा दूर, इसमें भी मुख्य रूप से पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, अर्थात बिंदु दोष पढ़ना है। इसका मतलब हुआ परमाणु दोष में हमें बिंदु दोष पढ़ना है। 30% सिलेबस कम हो जाने के कारण सारी स्टेट में कुछ लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ना है, जिसमें है पहला एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट ब्रैकेट में पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट हिंदी में परमाणु दोष या बिंदु दोष। परमाणु दोष किसे कहते हैं? जब किसी क्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर से परमाणु अणु एवं आयन अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं, अर्थात स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, या स्थान छोड़कर स्थानों में चले जाते हैं, या कोई बाहर से परमाणु अंदर आ जाता है, तो उसे परमाणु दोष या बिंदु दोष कहते हैं। परमाणु दोष या बिंदु दोष कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें आपको पहला पहले पढ़ना है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं? ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ, ऐसा आयनिक क्रिस्टल जिसमें धनायन और ऋणायन का रेशियो सदैव बराबर होता है, धनायन या ऋणायन एक साथ या तो बाहर निकल जाते हैं या तो धनायन रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाता है, परंतु धनायन व ऋणायन का अनुपात चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, उसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं। इसमें केवल सिर्फ इतना जानना है किसी आयनिक यौगिक से, किसी आयनिक क्रिस्टल से यदि धनायन निकलेगा तो ऋणायन भी निकलेगा। इसका मतलब हुआ जितने केटायन ऋणायन पहले थे रेशियो के रूप में, उतने केटायन ऋणायन के बाद भी उनका रेशियो चेंज नहीं होगा, अनुपात वही रहेगा, परंतु केटायन ऋणायन की संख्या कम हो जाएगी। जैसे 10 केटायन 10 ऋणायन है तो उसमें से एक केटायन एक ऋणायन निकल गया तो 9 केटायन बचेगा, 9 ऋणायन। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष किसे कहते हैं? ऐसा क्रिस्टलीय दोष जिसमें धनायन व ऋणायन का अनुपात परिवर्तित नहीं होता, उसे स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं।
स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है। स्टोइकोमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है। पहला है हर्ट स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी एस एच ओ डबल टी के वाई स्कॉटकी डिफेक्ट, हिंदी में शातकीय दोष, शातकीय दोष। शातकीय दोष किसे कहते हैं? ध्यान दें, ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ जिसमें धनायन व ऋणायन दोनों एक साथ अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं उसे शातकीय दोष कहते हैं। इसमें धनायन व ऋणायन दोनों एक साथ अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब हुआ जितने धनायन निकलेंगे उतने ऋणायन भी निकलेंगे, लेकिन रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसे दोष को शातकीय दोष कहते हैं। जब धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो उनका घनत्व कम हो जाता है, इनकी समन्वय संख्या ज्यादा होती है। इसमें धनायन व ऋणायन दोनों का साइज, दोनों का आकार लगभग बराबर होता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका एग्जांपल है NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर वाइट, ये शातकीय दोष में भी आता है, फ्रैंकल दोष में भी आता है। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड आदि, NaCl, KCl, AgBr, RBCl आदि, ये शातकीय दोष के उदाहरण हैं। इनमें समन्वय संख्या अधिक होता है। धनायन ऋणायन का अनुपात सदैव बराबर होता है। धनायन ऋणायन एक साथ बाहर निकल जाते हैं, इनमें घनत्व कम हो जाता है। इसका फिगर देख लीजिए, शातकीय दोष का। इसमें देखिए ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। यह है शातकीय दोष। इसमें धनायन और ऋणायन दोनों एक साथ स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इसे बोलते हैं अंतरा अवकाश, अंतरा अवकाश।
वैकेंसी ऑफ रिटायर, वैकेंसी ऑफ की रिटायर, यहाँ से धनाएं बाहर निकल जाता है, स्थान खाली हो जाता है, कि टाइम की वैकेंसी हो जाती है, यहाँ वैकेंसी ऑफ इनायन, वैकेंसी ऑफ इनायन, यह है साठ की दोस्त। अगला है दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? इसमें क्रिस्टलीय पदार्थ से धनायन अपने स्थान को छोड़कर रिक्त स्थानों में चले जाते हैं, इनके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोष उत्पन्न होने के पहले जितने धनायन दोष के पहले थे उतने ही धनायन दोष के बाद भी रहते हैं। इसमें धनायन अपने स्थान को छोड़कर रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाता है। इसके अंतर्गत सिल्वर हैलाइड, इसके अंतर्गत सिल्वर हैलाइड के कंपाउंड आते हैं, जैसे AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर ब्रोमाइड, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट दोनों में आते हैं। अगला देखिए, इसमें समन्वय संख्या कम होती है, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें रिडायन का आकार धनायन से अधिक होता है, इसमें रिडायन का आकार धनायन से अधिक होता है, रिडायन का आकार धनायन से अधिक होता है, और स्कॉटकी डिफेक्ट में धनायन रिडायन का आकार लगभग बराबर होता है। इसका फिगर देखें, यहाँ पर धनायन अपने स्थान को छोड़कर रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाता है, ऐसे दोष को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा है नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये पहला हो गया। दूसरा है नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टॉइकियोमेट्रिक दोष, अस्टॉइकियोमेट्रिक दोष। नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं?
ऐसा क्रिस्टली दोष जिसमें धनायन में गैर अनुपात अलग अलग होता है या तो धातु की अधिकता हो जाएगी अर्थात या तो धातु के आयन की अधिकता हो जाएगी या तो अधातु के आयन की अधिकता हो जाएगी। इस प्रकार के डिफेक्ट को नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इसमें धनायन और गायन दोनों का अनुपात अलग अलग होता है जबकि स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में धनायन और गायन दोनों का अनुपात बराबर होता है जबकि नॉन स्टॉइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में धनायन और गायन का अनुपात अलग अलग होता है। इसमें या तो धनायन की अधिकता हो जाती है या तो ऋणायन की अधिकता हो जाती है। यह भी दो प्रकार का होता है। पहला है धातु अधिकता दोष, पहला है धातु अधिकता दोष। धातु अधिकता दोष धातु अधिकता दोष क्या है? या तो क्रिस्टल के अंदर धातु के आयन की अधिकता हो जाती है। अब धातु अधिकता दोष कैसे उत्पन्न होता है इसमें भी ये देखिए, जब ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है तो उस समय धातु की अधिकता हो जाती है जिसे ऋणायन अंतरावकाश के कारण ऋणायन के रिक्त स्थान के कारण धातु की अधिकता हो जाती है। ऐसे दोष को धातु अधिकता दोष कहते हैं। धातु अधिक होने के दो कारण होते हैं, या तो ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाए तब धातु की अधिकता हो जाती है, या बाहर से कोई धातु एक्स्ट्रा धातु रिक्त स्थान में प्रवेश कर जाए तो भी धातु की अधिकता हो जाती है। तो आप लोग ध्यान से सुने, धातु अधिकता दोष के दो कारण होते हैं, या तो क्रिस्टल के अंदर से कोई भी अधातु आयन अर्थात ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाए तो धातु की अधिकता हो जाती है, परंतु धनायन और ऋणायन दोनों का आवेश कभी भी अलग नहीं होता अर्थात उदासीन बनाए रहता है। जैसे लिथियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इसका फिगर, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। यहां देखिए धातु अधिकता के दो कारण हैं, या तो अधातु अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाए तो धातु की अधिकता हो जाती है। जब अधातु बाहर निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन को यही छोड़ देता है जिसके कारण आवेश बराबर हो जाता है। इसे बोलते हैं अर्थ सेंटर। क्या बोलते हैं? अर्थ सेंटर या कलर सेंटर। ध्यान दें, धातु अधिकता दोष के पहला रीजन यह है जब कोई अधातु बाहर निकल जाता है तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को उसी स्थान पर छोड़ जाता है
जिससे आवेश बराबर बना रहता है, उदासीन हो जाता है, जिसे हम लोग धात रिक्ता दोष कहते हैं। देखिए इसमें एक दो तीन तीन धातु हैं, दो अधातु हैं, अर्थात धात की संख्या अधात की संख्या से अधिक है। इसमें तीन धातु हैं, दो अधातु हैं, यह दोष किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? अधात के द्वारा उत्पन्न हुआ। जब रावेशिक पदार्थ बाहर निकल जाता है तो धात अधिकता दोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए दूसरा क्या है, इसे आप सेंटर बोलते हैं, कलर सेंटर बोलते हैं। इसी के कारण यह सेंटर बीम ऑफ लाइट को प्रचार करता है, जिसके कारण क्रिस्टल के अंदर कलर प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे लिथियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज द कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। यह बीम ऑफ लाइट को प्रचार करता है, जिसके कारण क्रिस्टल कलर युक्त हो जाता है, इसीलिए इसे यह सेंटर या कलर सेंटर कहते हैं। दूसरा देखिए इसी का, जब धातु परमाणु बाहर से रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाता है तो धातु की अधिकता हो जाती है। तो धातु की अधिकता के दो कारण हुए, एक तो कोई धातु बाहर से आकर रिक्त स्थानों में प्रवेश कर जाए तो धातु अधिकता दोष उत्पन्न होता है। देखिए ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहां पर देखिए रिक्त स्थानों में धातु प्रवेश कर गया, इसी कहते हैं धातु अधिकता दोष। इसका उदाहरण है जिंक ऑक्साइड और इसका उदाहरण है लिथियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड। लास्ट है धातु न्यूनता दोष, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष यहां धातु अधिकता दोष था, अब है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष क्या है? जब क्रिस्टलीय पदार्थ के अंदर से केवल धातु आयन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। इसका उदाहरण है फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड, निकिल ऑक्साइड, यह है धातु न्यूनता दोष। अर्थात धातु अपने क्रिस्टल को छोड़कर अपने स्थान को छोड़कर जब बाहर चले जाते हैं तो धातु की कमी हो जाती है, जिसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। परंतु आवेश कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, आवेश कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहां से प्लस निकल गया, बी माइनस यहां पर आ गया, ए डबल प्लस, ए प्लस यहां पर आ गया, ए डबल प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यहां पर देखिए धातु क्रिस्टल को छोड़कर अपने स्थान को छोड़कर बाहर चला जाता है, जिसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। यहां पर देखिए ऐसे आयन को भी कहते हैं जो परिवर्ती सदस्यता प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे आयन को भी कहते हैं जो, देखिए यहाँ पर ए पर ए प्लस है, यहाँ ए पर ए प्लस है, यहाँ ए पर दो प्लस है, प्लस मान प्राप्त हो जाता है, ए प्लस दो प्लस तीन, तीन चार प्लस, पांच प्लस, छह प्लस, यहाँ पर छह धातु आयन है आवेश के रूप में। यहाँ देखिए एक माइनस,
आवेश बराबर होगा, लेकिन यहां से धातु आयन निकलकर बाहर चला जाता है। यह स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट और नॉन स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया। अंतर देख लीजिए, इसका एक्टिव और फ्रैक्टर इफेक्ट में अंतर, इसका एक्टिव इफेक्ट में धनायन आयन का पार बराबर होता है, फ्रैक्टर इफेक्ट में पहला स्टार्टी और फ्रैक्टर दोनों में धनायन बराबर होते हैं, ये कोई अंतर नहीं है क्योंकि धनायन बराबर है। स्टार्टी इफेक्ट में घनत्व कम हो जाता है, फ्रैक्टर इफेक्ट में घनत्व में कोई अंतर नहीं आता, स्टार्टी इफेक्ट में समन्वय संख्या ज्यादा होता है, फ्रैक्टर इफेक्ट में समन्वय संख्या कम होता है। तीसरा, स्टार्टी इफेक्ट में धनायन और ऋणायन का आकार बराबर होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। इसके डाइइलेक्ट्रिक कांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परावैद्युतता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांचे बढ़ जाता है। इसका स्टार्टी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में अंतर मैंने पढ़ा दिया है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक बार सुनिए, स्टार्टी डिफेक्ट में घनत्व कम हो जाता है, फ्रैक्टर डिफेक्ट में घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्टार्टी डिफेक्ट में समन्वय संख्या ज्यादा होता है, फ्रैक्टर डिफेक्ट में समन्वय संख्या कम होता है, स्टार्टी डिफेक्ट में धनायन ऋणायन का आकार बराबर होता है, फ्रैक्टर डिफेक्ट में धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस नेक्स्ट।